जय शनिदेव। तो छोटा सा मैं था, मुझे नज़र बहुत लगती थी, आ गया ना, मेरी मम्मी ने मेरा नाम कल्लू रख दिया तो भी मुझे नज़र लगती थी, फिर काके कर दिया तो भी नज़र लगती थी, फिर मन्नू कर दिया तो भी नज़र लगती थी, और मैं गाना गाते चलता था, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, बैंड बाजा बाजेगा ढम ढम ढम, ये नज़र लगनी बंद नहीं हुई। लेकिन मेरी मम्मी के पास एक बहुत सॉलिड उपाय था, वही उपाय आपकी मम्मी के पास था, एक या तो बाती कर दी, दो या सवा रुपये वार के रख दिया, तीन या फिर लाल मिर्च उतार दी। सबकी मम्मी के पास यही उपाय था। तो नरेंद्र मोदी जी जब छोटे थे उनकी मम्मी के पास भी यही उपाय था, सवा रुपये वाला। तो भारत में जब भी जो भी हुआ और वो छोटा हुआ उसको नज़र लग गई तो यही तीन उपाय थे। मैं ये कहता हूँ आपको, नज़र लगी हुई है प्रेत की। किसकी? उसकी नज़र आप पे गड़ गई और उसने आपको आसान समझ लिया। लेकिन मनु भैया आपके बड़े भाई बन गए, आपकी माँ का स्वरूप धारण कर लिया और सवा रुपया आपसे ही लिया, क्योंकि आप बड़े हो गए ना, आप छोटे होते आगे ना, छोटे बच्चे होते हैं तो आपकी नज़र का मैं पैसा भी नहीं लेता, सवा रुपया आपके ऊपर से उसको भी नहीं वारता, है कि नहीं? अपने पास से ही लेता फिर चवन्नी और एक रुपया, नहीं है कि नहीं? लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, नज़र उतरवानी है तो भाई सवा रुपया तो देना ही, क्या करना पड़ेगा? सवा रुपया देना पड़ेगा। अब जो लोग पुराने आए हैं, अब उनकी पर्ची नहीं भी है और पहले से आते हैं, वो अपना कार्ड बनवा लेंगे अंदर से, क्योंकि अगले चार बार के बाद पहली चार बार मैं फ्री में करूँगा, सवा रुपया लूँगा ही लूँगा, आगे ना। चवन्ने की कीमत सबको याद दिलानी है और भारतीय रिजर्व बैंक से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो हमारे सवा रुपये को फिर से क्या कर दे, फिर से चला दे। इसके नाते हम भारतीय रिजर्व बैंक में एक लेटर भी लिखेंगे और हम गुजारिश करेंगे कि हम भारतीयों को बड़ी नज़र लगती है, हम बड़े गोरे हैं और हम अगर काले भी होते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, हमारा ये नटखटपना हमारे बड़े होने तक स्वभाव में सिद्ध रहता है, इसलिए जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमें नज़र लगती है दुनिया की। क्यों? क्योंकि भारत का एक ही उद्देश्य है कि हम धर्म धर्म तो करते हैं लेकिन धर्म को ठीक से मानते नहीं, धर्म को ठीक से जानते नहीं। जहाँ हमारे धर्म में दूसरे की उन्नति आपको लाभदायक होती है, आप दूसरे की उन्नति से प्रसन्न होते हैं, वहीं ये केवल कहने की बात रह गई है, अब हम दूसरे की उन्नति से अप्रसन्न होते हैं और सबसे पहले उसी को ठोकते हैं जो हमारे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हम उसका हाथ पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो हे गवर्नर साहब, ऐसे में हमें सवा रुपए की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए आप हमारी चवन्नी को बंद मत कीजिए, क्योंकि हम कहते थे चार चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा, जय बोलो महात्मा, और चाहे गांधी का ही स्वरूप दे के हमें चवन्नी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि हमारे आसपास जो सुनार हैं वे चवन्नी को 150 से 250 रुपये तक की देते हैं, तो आप कम से कम चवन्नी को 56 रुपए की दे दीजिए, जिससे मनु भैया सबकी नज़र उतार सके और उनके अरबों रुपए के कष्टों को सवा रुपए में उतार सके। भारत की जनता, तो गवर्नर साहब के लिए खत भी मैं लिखूंगा और हमें अपना सवा रुपया वापस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हम इस धरती के पृथ्वी माता के पुत्र हैं, हम उस भगवान के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, हम उस जगत जननी माता के पुत्र और पुत्रियां हैं, कि हमें नज़र लगनी ही लगनी है, हमें नज़र बंद हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। कोई यूँ समझे कि कोई गंजा हो गया तो उसको नज़र नहीं लगेगी, ये भी गलत है। आपको सवा रुपए की ज़रूरत है कि नहीं है? जी है। सबको सवा रुपए की ज़रूरत है कि नहीं है? है। जोर से बोलिए, सबको सवा रुपए की ज़रूरत है कि नहीं है? तो हम सब हाथ जोड़ के कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से कि हमारी चवन्नी हमें वापस, हमारा सवा रुपया हमें वापस,
प्लीज उसको बंद ना किया जाए, वरना तो समाज जो सुधर सकता है उसकी हालत और गंभीर हो जाएगी और घर घर में बीमारियां ठुक ठुक के भर जाएंगी। हमारे शनिदेव महाराज खुद मांगते हैं कि मुझे 125 रुपया दे दो, बाकी काम मेरा देख लो, मैं तुम्हारी नजर उतार के हटूंगा। बोलो जय शनिदेव। 125 रुपये कीमत किस किस को समझ में आ रही है? तेरे जी भाई, वाह भाई, अच्छा भाई ये 125 रुपये के उतारे किस किस के हुए आज तक बताना, हाथ खड़े करे जिनके 125 रुपये के उतारे हुए हैं कभी भी पूरे जीवन में। और 11 रुपये का उतारा किस किस का हुआ है, हाथ खड़ा करे, 11 का, 21 का, 101 का, 51 का। अरे सब यही होते हैं भाई, तुम्हारे हुए ही नहीं होंगे कभी।